नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और हम सीख रहे हैं ताने कैसे तैयार करें। आज हम सीखेंगे राग मियां मल्हार में तान कैसे तैयार की जाती है। राग मियां मल्हार वर्षा ऋतु का राग है और इसमें ज़्यादातर सरल तान नहीं बनती है। पहले देखते हैं राग मियां मल्हार का आरोह अवरोहात्मक चलन। आरोहात्मक चलन इस प्रकार हैं, सा रे रे प नी नी म प। षड्ज तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। सबसे प्रसिद्ध रास्ता है म प नी द नी सा, और कई कई बार म प द नी सा, ऐसे भी षड्ज पर जाते हैं। तो हमारा आरोह इस प्रकार हुआ, सा रे रे प नी नी म प म प नी नी सा नी प नी नी प म प ग इस प्रकार इसका आरोह अवरोहात्मक चलन है। आप देखते हैं इसमें तान कैसी बनेगी। मियां मल्हार की एक खासियत है कि उसमें ऋषभ जो लिया जाता है वो ऋषभ मध्यम पर से लिया जाता है, मतलब सा रे मरे, मतलब कहीं ना कहीं साम रेप है उसमें, क्योंकि रे के बाद पंचम आता है सा रे रे प, और प के बाद ग म रे सा, ऐसी आलाप की समाप्ति करते हैं। तो पहली तान बनाएंगे सा सा म रे प प ग म रे सा सा म रे प प ग म रे सा। आगे जाएंगे कोमल नी लगाएंगे सा सा म रे प प नी नी म प ग म रे सा नी सा, और आगे जाएंगे सा सा म रे प प। अब मियां मल्हार का खास स्वरूप नी द नी सा, षड्ज तक जाना है तो नी द नी सा। तो कैसे बनी है तान, सा सा म रे प प नी द नी सा नी प म प ग म रे सा नी सा, सा सा म रे प प नी द नी सा नी प म प ग म रे सा नी सा। आगे जाएंगे रे की तरफ सा सा म रे प प नी द नी सा रे रे नी सा नी नी म प ग म रे सा नी सा, सा सा म रे प प नी द नी सा रे रे नी सा ग म रे सा नी सा नी नी म प ग म रे सा। तो पूरी तान ऐसी बनी सा सा म रे प प नी द नी सा रे रे नी सा ग म रे सा नी सा नी नी म प ग म रे सा नी सा। तो अभी तक हमने क्या क्या तान बनाई वो देखते हैं। सा सा म रे प प ग म रे सा नी सा, सा सा म रे प प नी नी म प ग म रे सा नी सा, सा सा म रे प प नी द नी सा नी नी म प ग म रे सा नी सा, सा सा म रे प प नी द नी सा रे रे नी सा नी नी म प ग म रे सा नी सा, सा सा म रे प प नी द नी सा रे रे नी सा ग म रे सा नी सा नी नी म प ग म रे सा नी सा। कई कई लोग अवरोह में दैवत का भी प्रयोग करते हैं, सा सा म रे प प नी द नी सा रे रे नी सा द नी म प ग म रे सा नी सा, क्योंकि ग म रे सा है इसलिए धनी म प भी आएगा, ऐसा उनका मानना है। सा सा म रे प प नी द नी सा रे रे नी सा द नी म प ग म रे सा नी सा। अब तान बनाएंगे म प द नी सा सा, ऐसे भी षड्ज पर जाते हैं तो इसी की तान बनाएंगे म प द नी सा सा नी नी म प ग म रे सा नी सा। आगे
मपदनि सरे रे नि सदनि मप ग मरे सनि सा या मपदनि सरे रे नि सनि नि मप ग मरे सनि सा आगे मपदनि सरे रे नि सा ग मरे सनि सनि नि मप ग मरे सनि सा। अब नी नि मप से तान शुरू करेंगे। नी नि मप ग मरे सनि सा नी नि मप नि द नि स नि नि मप ग मरे सनि सा नी नि मप नि द नि स रे रे नि स न नि मप ग मरे सनि सा या नी नि मप नि द नि स रे रे नि स नि नि मप ग मरे सनि सा नी नि मप नि द नि स रे रे नि स ग मरे सनि सा नी नि मप ग मरे सनि सा। अब एक अलग प्रकार देखेंगे। साम रे प म नि प म ग म रे स नि सा आगे साम रे प म नि प स नि नि प प ग म रे स नि सा आगे साम रे प म नि प स नि रे स नि नि म प ग म रे स नि सा। और एक प्रकार इसमें दूसरा स्वर डबल करेंगे। साम म रे प प म नि नि प म ग म रे स नि सा रे प प म नि नि प स स नि नि म प ग म रे स नि सा म नि नि प स स नि रे रे स स नि नि म प ग म रे स नि सा म म रे म म रे म म रे स नि सा प प म प प म प प ग म रे स नि सा नि नि प नि नि प नि नि प म ग म रे स नि सा 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 नि सा सा नि सा सा नि नि म प ग म रे स नि सा रे रे सा रे रे सा रे रे नि सा नि नि म प ग म रे स नि सा। अब देखते हैं अवरोही तान कैसी बनती है। इसमें सा नि नि म प ग म रे स नि सा रे नि सा नि नि म प ग म रे स नि सा। और एक प्रकार हो सकता है म प ध नि सा नि नि म प ग म रे स नि सा म प नि द नि स रे नि नि म प ग म रे स नि सा म प नि द नि स नि नि म प ग म रे स नि सा म प नि द नि स रे नि नि म प ग म रे स नि सा सा म रे प म नि प स नि रे नि नि म प ग म रे स नि सा। राग मिया मल्हार, इसी को मल्हार ऐसा भी कहा जाता है। राग विज्ञान ने राग मिया मल्हार को मल्हार कहा है। और वो सा द नि प म प ग म रे सा ऐसे भी अवरोह करते हैं। राग मिया मल्हार, इसके और एक नजदीक राग है राग बहार। तो राग मिया मल्हार में और बहार में क्या अंतर है आप जरा देखेंगे। राग मिया मल्हार में आरोह इस तरह होता है सा रे रे प, और राग बहार में सा म प ग म नि द नि सा। राग बहार में और मिया मल्हार में यही फर्क है। सा म प ग म नि द नि सा ग म नि द नि सा ऐसा करे तो वो बहार हो जाता है। और म प नि द नि सा म प नि द नि सा किया तो वो मल्हार हो जाता है। और मिया मल्हार ज्यादातर मंद्र में विस्तार किया जाता है। मतलब मंद्र सप्तक वाला निध निसा मल्हार को दर्शाता है और उत्तरांग प्रधान निध निसा बाहर को दर्शाता है। निध निसा वही है लेकिन अगर म प निध निसा म प लगा तो वो मल्हार का है। और ग म निध निसा ग म लगाया तो वो बाहर का हो सकता है। तो यही अंतर है दोनों में। तो ये था राग मिया मल्हार। धन्यवाद।